हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मेरी छुट्टी, और आज मेरा छुट्टी का लास्ट डे है। ये देखो अम्मी भी आ गई है। आज छुट्टी का लास्ट डे है, कल से फिर मेरा शूट जो है वो रिज्यूम होगा। सलाम कर लो अम्मी। अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटे बड़ों को, अम्मी को प्यार भरा सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। लेट हो गई आज? लेट हो गई, हम पढ़ रहे थे। अच्छा, नमाज पढ़ रहे थे, तुम भी खाना फिर जाते तो है। और बस आज छुट्टी है, और तीन दिन समय निकले नहीं, होली भी थी, शबे बारात भी थी, तो आज हमने बोला कि चलो आज आपको कहीं बाहर घुमा के लाते हैं, थोड़ा खाना वाना खिला के लाते हैं। हम इंतजार कर रहे थे, गाड़ी देख रहे थे, अभी तक निकली नहीं, कब जाए, कल बता दिया था, हमने कहा घुमा के लाना थोड़ा से, अभी तक तुम निकले नहीं, तो हमने देखा कि अब ये भी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वीडियो एडिट, तो फिलहाल चलते हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं जिम जाऊंगा। सोचो चार दिन हो गए मैं जिम नहीं गया हूँ, चार दिन की छुट्टियां हो गई हैं। ये चार दिन इनके जिम ना जाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, इन्होंने खुद यहीं पे सोफे पे बैठे बैठे मन बनाया है। और फिर थोड़े जो मुझे पता था कि वो मन कहीं कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, और खुद ही बैठे बैठे मन उनका जो है वो घुल गया है। कोई नहीं, कभी 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 छुट्टियां होती हैं ऐसे, तो कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, फिलहाल हम होते हैं रेडी, ऑफर निकल। छुट्टी होती है तो बीबी ये तो पता है कि सबको बीबी को खुशी होती है, लेकिन तुम्हारी बीबी से ज्यादा मुझे खुशी होती है तुम्हारी छुट्टी रहती है कि मेरा बेटा सो ले नींद भर के। चार दिन सोया ऊपर में, बहुत अच्छा, लेकिन चार दिन बहुत सोया, बहुत अच्छे से सोए, बहुत अच्छे से, आज भी एकदम आराम से सोए। गुड गुड, ये मेरे आम सूख गए, ये देखो इनके आम सूख गए। क्या हो गया अम्मी के सामने, क्यों बोलती बंद हो जाती किस चीज को लेके? देखो रमजान आने वाले हैं, तो अम्मी को हमेशा पता है। हाँ, आपने कल भी बोला था कि कुर्ते शानू के लिए कुर्ते करवा दो, कुर्ते बनाने, मैंने भी बोला था कुर्ते बनवाने, लेकिन इस बार जनाब को अन्नू के बने हुए, अनुराधा जो डिजाइनर है उसके बने हुए कुर्ते पहनने हैं, तो वो ऑलरेडी मेरे पीछे लग चुके, तो मैं अम्मी को वही बता रही हूँ कि ये आपके सामने इनकी बोलती बंद हुई है, वरना मुझे बोल चुके हैं हाँ अन्नू को बोल दो 12-15 अच्छे स्टाइलिश स्टाइलिश कुर्ते बनाए, मैं अभी सादे नहीं पहनूंगा। लेकिन एक दो तीन तो बनवाना है उनके पसंद, वो भी अच्छे। अरे यही बनाने वाली है, इसी की पसंद होने वाली है, इतने फेमस है बेटा कि वही तो हमेशा बनवाती रही, उनके भी पहन लो, लेकिन उनसे भी बनवाना। यही बनाने वाली है, बस सिर्फ इतना है, बस सिर्फ आशु का फोन आ रहा है, बस सिर्फ इतना है कि मैंने बोला था कि क्योंकि दीपिका जो इस बार कपड़े लेके आई थी ना, वो ऐसे थे कि अगर मैं उसको नॉर्मल कपड़े बनवाता, मतलब नॉर्मल पठानी सूट बनवाता, तो आप लोग बोलते कि यार कि एक लड़की का सूट उठा के आपने पहन लिया। तो मैंने कहा दीपिका इसमें नॉर्मल पठानी कॉलर वाले नहीं अच्छे लगेंगे, इनमें थोड़ा डिजाइन होना चाहिए ना, थ्रेड व्रेड वाले होते हैं, चीजें होती हैं वो अच्छा। तो ये बोलती ठीक है एक काम करो तुम उन्हीं से बनवा लो, तो मैंने ठीक है बनवा चालू नहीं देखो इस बार वैसे ही मुझे ज्यादा वक्त जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं शूट पे होऊंगा और उसके बाद फिर हाँ, बट ठीक है अभी तुमने बोला है तो तुम्हारी बात मैं कैसे डाल सकता हूँ डिजाइनर की बात। हमारे लिए बनाएंगे। अरे चलो मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं हो गया रेडी, ये भी रेडी हो रही है, एज यूजुअल लेट करती है, बाय द वे मैं हो गया हूँ रेडी और ये भी रेडी हो रही है, ठीक है। तो आजकल वक्त कौन लगाता है? हम, ठीक है बनता है। इतने चलाक हो ना, वन ऑफ द डेज दैट यू गॉट रेडी अर्ली, उस दिन आप फटाफट कैमरा लेके आ गए होगे, आज मैं जल्दी तैयार चालू होना। आज मैंने डाली है शर्ट डेनिम, ठीक लग रहा है? हाँ ठीक ही लगता है तेरी। चलो हम, मैं नीचे मिलता हूँ, प्रतीक वेट कर रहे नीचे, चलो चलो मैं आता हूँ, अल्लाह हाफिज, कुछ चाहिए हो तो बता देना, फोन कर देना, अल्लाह। चले हो गई रेडी आप? Yes. अच्छी लग रही हो, रेडी भी हो गई, खा भी लिया, चलो चलो। तो निकल चुके हैं हम लोग, और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं मसाला लाइब्रेरी बीकेसी। यस, आज हमने सोचा कि चलो कहीं चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं अच्छे से, और बहुत दिन से हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था, सिचुएशन नहीं हो पा रही थी, तो आज है, तो आज हम लोग निकल चुके हैं अभी। शॉपिंग के मूड से नहीं आया, बिल्कुल था नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन इसने इंस्टिगेट कर करके, अरे श्वेत चलो, अरे श्वेत चलो, अरे श्वेत चलो। तो अब जब बीवी
जो कहेगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ मैं आदर्शवादी पति कैसे तो मुझे जाना ही था तो मैं चला गया और ले लिया मैंने तुमने भी लिया वैसे इसको भी दिलाया ऐसी बात नहीं है आज मुझे भी अच्छा मिल गया एक्चुअली ये ब्रांड में हम पहली बार गए तो अच्छी चीज़ें मिल गई अभी हमने कर ली है शॉपिंग वहीं घूमते फिरते अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने कब नहीं होती हो तुम भूख लगी सोफा चाहिए चेयर चाहिए आपको चेयर चाहिए दो By the way, we are here at Masala Library by Jix Kalra and हम यहाँ पहली बार आए हम कई समय से यहाँ आना चाहते थे बट आज फाइनली हम लोगों का प्लान बन गया है तो यहाँ पे आके पता चला कि एक सेट मेन्यू है by chef which is like a buffet but they will serve मतलब सेट मेन्यू है तो आपके टेबल पे सर्व होगा सो वी ऑप्टेड फॉर दैट क्योंकि वो देख के मेरी आँखें फट गई और शोएब ने बोला कि तुमको सब खाना है ना तो हमने वो ऑर्डर किया है लेकिन इसके बाद अला कार्ट से हम एक डिजर्ट जरूर ऑर्डर करेंगे रसमलाई जो ऑर्डर आज तुम्हारे लिए आए आप खाओ क्रिस्पी बेसन बूंदी आपको के तरह आसबेरी चटनी है इंडियन तड़का वाला है सेकंड चार्ट जिसे आवाज जन ऑफ क्रिस्पी फ्रेशली फ्राई पानी पूरी स्टाफ पे सम वाटर मेलन पास्ट्रामी एंड सबलन लेमन हिबिस्कस थैंक यू थैंक यू टेस्ट तुम सभी करो चलो बन जाओ मास्टर शेफ कुछ डिफरेंट ही है तुम एक साथ खाओ ये बोल सकते जो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया ये तो क्यों देंगे वाटरमेलन का अलग टेस्ट वो खट्टाई चलो टेस्ट तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा ये खुशी देखो चेहरे पे शुभ बात इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे ये अच्छा ना मजेदार है अपने बॉल मांगता है ऐसे बड़ा वाला इससे हमारा क्या होगा हम पूरा ही रुमाली बाबर चिपकाने वाले हैं क्या है चिली चीज टोस्ट अमृतसरी फिश कुलचा लैम तो पसंद है नॉन वेजिटेरियन जैसे चिकन 65 पैकेट वो है ना शेफ कुछ मिल रही मस्त है शोएब का अब तक दो फेवरेट एक वो लैम वाला और एक ये ग्रिल्ड चिकन साउथ इंडियन प्रिपरेशन चिकन टिक्का अब पेट भरना शुरू हुआ इसी अब आके इसको दो मिनट देखती हूँ फिर खाती हूँ नहीं तो उस वक्त आते ही मुंह में जा रहा था लास्ट स्टार्टर कोई मैं खा खा के थक गई अब तो मेन कोर्स हाँ मेन कोर्स बचा है फिर तो स्वीट बची है मैं
मेन कोर्स के पहले हमें ये क्या है ये बंगाली मिर्ची दोई ना मस्त है देखा इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो फाइनली आ गया हमारा भी मेन कोर्स तुम्हें तो मिल गया कोकोनट वाला चिकन यस आपको मुझे ये नहीं दिया ही आप उसका वेट कर रहे थे यस कैसा अच्छा ओके कुछ कम है हाँ कुछ कम है नमक ज़्यादा है अच्छा नमक हाँ आपको नमक की बिल्कुल आदत है और वो कार्डमम या सैफ्रन का ज़्यादा बड़ा तो देसी निहारी नहीं है अच्छी है सारा खाना एक तरफ स्वीट एक तरफ जैसे जलेबी कैवियर कैवियर के शेप में जलेबी हमारे देसी में रबड़ी जलेबी नाइस ना बहुत अच्छा है मजा आ गया सच में मजा आ गया ना क्या बोला बस इतना ही खाना पूरा खा के कहते हो बस इतना ही खाना पूरा तो चेक कर गए बस इतना ही देखो अभी थोड़ा कटोरा दिख रहा है यार आके देखो क्या मन ना पड़ेगा खाली है हमने बहुत बहुत खा लिया सच में आज काफी कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया हाँ बट ठीक है लास्ट में जो डिजर्ट था ना वो बहुत मजा आया हाँ, अच्छा था ऐसा नहीं है अच्छा नहीं था बट आई थिंक जो प्रॉपर देसी लोग हैं ना उनको शायद इतना इतना जमे ना ऐसा नहीं खाना टेस्ट नहीं था खाना टेस्टी था अच्छा था बट आई थिंक टेस्ट है प्रेजेंट ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन तो हो गया है अच्छा लेकिन वो जस्ट शो अप कह रहे ना कि वो आप अगर वो प्रॉपर देसी फूड के शौकीन हो ना तो वो खाने की सैटिस्फेक्शन शायद आपको ना मिले कम मिले बट लास्ट के डेजर्ट ने पूरा मजा समा बांध दिया सच में मस्त था और खूब हंस भी लिए खूब खा भी लिए अभी चलते खा लिया उसके बाद पागलों जैसे हंसे और उसको पचा लिया और अब बैठ गए हैं यस घर चलते हैं और आप चलिए अड्डे पे हां जी और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं निकला सेट के लिए सुबह सुबह और ये हुआ फिल्म सिटी में एक हादसा गुम है किसी के प्यार के सेट पे आग आज भी मेरा ऑफ है क्योंकि आप सबको पता है कि कल किस तरीके से फिल्म सिटी में जो हाहाकार मचा हुआ था गुम है किसी के प्यार के सेट पे आग लगी और वो ऐसी आग लगी कि मतलब पूरा सेट जो है वो तहस नहस हो गया इनफैक्ट हम लोग अंदर शूट कर रहे थे और देन हम लोग को अंदर हल्का सा धुआं आया अपने सेट पे हम शूट कर रहे थे धुआं आया कि यार कुछ जलने की स्मेल आई हमें लगा शायद कुछ ऐसा होगा कभी कभी होता है जब ज़्यादा हुआ फिर बाहर निकले देन वहाँ देखा कि आग की लपटें जो है वो उठ रही थी देन आई वॉज लाइक मैं था योगी सर थे हमारे डायरेक्टर थे हमने बोला कि चलते हैं देख के आते कुछ शायद अगर जो भी हो सके ऐसे टाइम पर आप जाओ देखो कुछ हेल्प हो सकती है तो लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हेल्प की कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि पूरा सेट जो है वो आग की लपटों में आ गया था इनफैक्ट हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ का हर एक क्रू मेंबर एक्टर से लेके क्रू मेंबर सब बाहर थे एंड हम उस टाइम वहाँ पे थे ही वो देख ही रहे थे चीज़ें कर ही रहे थे एंड देन उसके बाद सडनली वो हवा इतनी तेज़ थी फिल्म सिटी में कि वो किस तरीके से हमारा सेट उनके सामने है एंड देन वहाँ हमारे सेट के पीछे बन्नी चाव का सेट है तो वहाँ पे चीज़ें वहाँ पहुँची एंड देन फिर जब हमारे सेट पे आग आना शुरू हुई देन फिर हम सब ने मिलके जिस तरीके से फायर ब्रिगेड जो वहाँ पे जा रही थी उनको दो एक दो वहाँ निकलने दी एक दो को यहाँ डाइवर्ट कराई क्योंकि उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी अगर हम लोग इस तरीके से अफरा तफरी मचा के चीज़ें नहीं करते यू नो
हम लोग ना फायर ब्रिगेड का भी, फायर ब्रिगेड जो वर्कर थे हम उनका भी शायद वेट नहीं कर रहे थे उस वक्त पे, हम सिर्फ पाइप लेके भाग रहे थे, पानी खोलो यहाँ आ गया पैच, यहाँ पे पैच है, यहाँ पे पैच है, वहाँ भागो, ये करो वो करो, बट हो गया। मतलब मुझे खुद कल का दिन में, इनफैक्ट मैं दीपिका से भी आके ये बोल रहा था कि दीपी हमें नहीं समझ में आया कि किस तरीके से चीज़ें बच गई, पर बच गई है। सेट अभी भी डैमेज हुआ है, हम जहाँ शूट करते हैं बग्गा हॉल में, किचन के ऊपर थोड़े से पैचेस आए हैं, पूरा सेट लगा हुआ था, हर एक मेंबर वहाँ पे लाइट्स भी निकालनी है, चीज़ें भी करनी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब है। यस, लेकिन कुमे किसी के प्यार का सेट एंड बन्नी चाव का आधा सेट वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया है, बट हो जाते हैं कभी कभी ऐसे हादसे, हम जब शूटिंग लाइन में इस तरीके के हैं तो हो जाते हैं। हर इंसान प्रिकॉशन लेके रखता है, लेकिन कभी कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ होनी होती है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। बट अभी जैसे मैंने फ़ोटो देखी उनके एक एक्टर्स की, क्योंकि सेट तो उनका पूरा जल चुका है, बट कहीं वो और शूट कर रहे हैं, वो उन्होंने कैप्शन डाला है कि शो मस्ट गो ऑन, एंड डेफिनेटली यही चीज़ होनी चाहिए कि शो मस्ट गो ऑन। ये सारी चीज़ें होती हैं, दिल को ठेस पहुँचाती हैं, अफसोस होता है, लेकिन काम नहीं रुकता। तो यस, अब आग क्यों लगी, कैसे लगी, किस वजह से लगी, वो तो अभी नहीं पता है, वो बाद में पता चलेगा। बट वहाँ उस टाइम कल का फिल्म सिटी का मंजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, भयानक था। अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग ठीक हैं, किसी कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, बस सिर्फ यस लॉसेज हैं, डैमेज है, इंशाल्लाह वो अभी देखते हैं। तो बस आज उस वजह से अभी हमारा सेट भी रिपेयर होगा, दो दिन ऑफ है, मिनिमम दो दिन ऑफ है, दो का तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, और तो इसी वजह से आज हैं। ये देखो यहाँ पे मैडम भी जो है वो रेडी हो गई हैं, क्योंकि अब रमज़ान शुरू हो जाएंगे एंड देन उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह ये जो है बाजू वाला, आई थिंक ये खाली अभी हो जाएगा लास्ट, इस महीने के लास्ट तक, फिर ईद के बाद इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा चलो अभी आज छुट्टी है तो उसका यूटिलाइज़ करते हैं, चलते हैं, देख के आते हैं कि इस बार कैसा सोचा है, क्या करना है। तो हम लोग जा रहे हैं जियो वर्ल्ड, फर्नीचर का बहुत है, पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बना हर चीज़ है वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लगती है, हम क्या चीज़ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या अच्छा लगता है। तो मेरे चलो आज टाइम को यूटिलाइज करते हैं, बाहर निकलते हैं, और बस तो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये ब्लॉग भी दो तीन दिन से मैं शूट कर रहा था, तो यस जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बस यार प्यार करो, एक पल में क्या हो जाए ना आप किसी को नहीं पता, सिर्फ प्यार बांटो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।